अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज की जो वीडियो है इसमें हम जो डेफिनेशन कवर कर रहे हैं वो प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो दी थी इकोनॉमिक्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रोफेसर एडम स्मिथ और डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स तफसील के साथ डिस्कस की है। उनका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसके अलावा कम्प्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स की जो प्ले लिस्ट है वो भी मैंने बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कितने तरीकों से आ सकता है। फर्स्ट है डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर लोनियर रॉबिन्स। क्रिटिकली एग्जामिन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रेजेंटेड बाय मॉडर्न लंदन स्कूल ऑफ थॉट्स और इकोनॉमिक्स। इसको मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स भी बोलते हैं और लंदन स्कूल ऑफ थॉट्स भी बोलते हैं, जो प्रोफेसर रॉबिन्स और उनके फॉलोअर थे। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ सेक्रेसिटी एंड चॉइसिस। डिस्कस और मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड सेक्रेसिटी ऑफ मीन्स आर द टू फाउंडेशन स्टोन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ जो थे उनकी हमने देखा था कि उन्होंने बोला था वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। सेकेंड अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में फोकस था मटीरियल वेलफेयर की बजाय सोशल वेलफेयर, और इसमें यह है कि साइंस ऑफ सेक्रेसिटी एंड चॉइसिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आंसर। एज यूजल सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देना होता है। अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज क्रिटिसाइज्ड बाय प्रोफेसर रॉबिन्स इन हिज बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंसेज पब्लिश इन 1932। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ सेक्रेसिटी एंड चॉइसिस। ही सेज दैट हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज सुपीरियर टू अदर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस ऑफ द टर्म्स लाइक वेलफेयर वेल्थ एंड वेलफेयर। मैनी अदर इकोनॉमिस्ट फॉलो हिम, दे आर विकस्टीड, स्पान एंड मैक्स वेबर। दिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज नाउन एज मॉडर्न लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ के जो फॉलोअर थे उनको क्लासिकल बोला जाता था, फिर जो प्रोफेसर मार्शल के थे उनको न्यू क्लासिकल, और प्रोफेसर रॉबिन और उनके फॉलोअर को न्यू इसको बोलते हैं मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चले नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स यानी अनलिमिटेड वांट्स होते हैं एंड सिक्योर्स मीन लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। थ्री देर आर फोर मेन पॉइंट्स ऑन दिस डेफिनेशन। दे आर मल्टीपल एंड्स यानी इंसान की ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद होती हैं। एंड्स अनलिमिटेड वांट आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, तमाम जो ख्वाहिशात होती हैं सब की अहमियत नहीं होती। स्केर्स मीन लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले अब आती है हमारे पास डेफिनेशन का पहला पॉइंट, मल्टीपल एंड्स यानी अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड पर्सन हु से डैट हिज वांट्स फॉर गुड एंड सर्विसेज हैव बीन कम्प्लीटली फुलफिल्ड। सेकेंड हमारे पास है अनलिमिटेड वांट्स आर नॉट इक्वल इम्पोर्टेंस, ऑल ह्यूमन वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, सम वांट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, सो पीपल अरेंज देयर वांट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बुक। सो स्केर्स मीन लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर द इनपुट यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वी कैन डिवाइड लिमिटेड रिसोर्सेज इन टू कैटेगरीज, प्रोड्यूसर रिसोर्सेज और कंज्यूमर रिसोर्सेज। प्रोड्यूसर रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, और कंज्यूमर रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दे आर लिमिटेड एंड देयरफॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज आर आल्सो लिमिटेड। सो कंज्यूमर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन दिस सेंसेस डैट वन कैन नॉट हैव एज मैनी गुड एंड सर्विसेज एज ही विशेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। फोर हमारे पास क्या है कि अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है। दे आर मैनी वेज ऑफ यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, इट इज़ ऑलवेज अप टू द पर्सन कंसर्न टू गिव प्रेफरेंस टू द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल हु फेस प्रॉब्लम ऑफ सेक्रेसिटी एंड चॉइसिस इज फोर्स टू मेक द अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन किया, फिर डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन के मेन पॉइंट्स, फिर हमारे पास मेरिट्स, डी मेरिट्स और कंक्लूजन होगा। तो अब हम मेरिट्स पर चलते हैं। फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ प्रोफेसर रॉबिन्स डेफिनेशन। साइंटिफिक व्यू, प्रोफेसर रॉबिन्स डेफिनेशन हैज़ मेड इकोनॉमिक्स अ साइंटिफिक सब्जेक्ट इन स्पाइट ऑफ कम्प्लेक्स एंड मेजरेबल आइडियाज ऑफ वेलफेयर। ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेसिटी एंड चॉइसेस। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में बेहतरी आती गई, तो उन्होंने साइंटिफिक व्यू दिया है। यूनिवर्सल इन नेचर, इट इज़ यूनिवर्सल इन सेंस दैट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस। इट इज़ अप्लाइड इक्वली ऑन ऑल पर्सन एंड देयर एक्टिविटीज़ वेदर लिविंग इन अ सोसाइटी आर नॉट। इकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस. प्रोफेसर रॉबर्न डेफिनेशन हैज़ मेड इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस. इट इज़ नो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिस्ट इज नॉट इन कंसर्न वेदर वांट्स आर गुड आर बैड. वाइडन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. रॉबर्न्स टेक इन टू अकाउंट ऑल टाइप ऑफ पर्सन वेदर लिविंग इन अ सोसाइटी आर नॉट ऑल टाइप ऑफ वांट्स वेदर मटीरियल नॉन मटीरियल. सो दिस अप्रोच वाइडन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. फिफ्थ मेरिट हमारे पास है कम्प्रीहेंसिव एंड क्लियर. रॉबर्न्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन द रियल फैक्ट ऑफ लाइफ बिकॉज वी डेली एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस एंड नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. डीमेरिट्स हमारे पास हैं नॉट टच ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन वेलफेयर के इसमें कोई जिक्र नहीं है. फिर इग्नोर मैक्रो एस्पेक्ट्स. प्रोफेसर रॉबर्न डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल एंड आर मैक्रो एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो एक्सपेक्ट लाइक नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इग्नोर. जो मैक्रो जो बड़े लेवल के एक्सपेक्ट होते हैं जो ओवरऑल इकॉनमी से डिस्कस करते हैं वो इसमें इग्नोर है. इट इग्नोर नॉर्मेटिव एस्पेक्ट. नॉर्मेटिव मीन्स गिविंग वंस ओन व्यूज एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट बट दिस डेफिनेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड डेट नॉर्मेटिव एस्पेक्ट आर टोटली इग्नोर. इट डज नॉट कवर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. प्रोफेसर रॉबर्न्स सेड दैट ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अकर ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज बट देर आर सम प्रॉब्लम्स विच डू नॉट अराइज ड्यू टू दीज रीजंस. अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स ड्यू टू सरप्लस सप्लाई ऑफ लेबर देन जॉब्स अवेलेबल. इट इग्नोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. प्रोफेसर रॉबर्न्स डेफिनेशन इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. इट डिस्कस ओनली अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज बट डज नॉट डिस्कस हाउ वी इंक्रीज अवेलेबल रिसोर्सेज. लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आता है कि हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ने के बाद क्या नतीजा खर्ज किया है. फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड डैट प्रोफेसर रॉबर्न्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज कम्प्रीहेंसिव एंड पर्पजफुल. दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ रिमूव अवे मैनी ऑब्जेक्शंस मेड अगेंस्ट अर्लियर डेफिनेशन. इंस्टेड ऑफ पुटिंग टू मच एम्फेसाइज ऑन वेल्थ एंड वेलफेयर he point out the better concept of scarcity and choices which is the problem of every person. although Robin's definition of economics has some drawback but most of modern economists use his views in solving the economic problem. kyunki insaan ki khwahishat limited hoti hain to unlimited jo resources hote hain unke andar rehkar inko humne pura karna hota hai. to i hope aapko ye video pasand aayi hogi. agar aapko video meri pasand aayi hai to वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो को शेयर कीजिए. कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.